हेलो फ्रेंड्स, होम साइंस का टॉपिक रोगी का बिस्तर आज हम ये कंप्लीट करेंगे। ये आपके एलटी ग्रेड सिलेबस में दिया हुआ है ये यूनिट। यहाँ पे ये आपका एलटी ग्रेड का सिलेबस है। देखिए, प्राथमिक उपचार, स्वास्थ्य, फिर पट्टियों का प्रकार, उपयोग, फ्रैक्चर है, फिर यहाँ पर ये देखिए रोगी की देखभाल, उसका रख रखाव, मरीज की देखभाल, फिर मरीज का कमरा कैसा होना चाहिए, सामान्य बीमारियाँ व घरेलू उपचार, ये सारी यूनिट आपके एलटी ग्रेड सिलेबस में दी हुई है। तो सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको ये सारी यूनिट पढ़नी होगी। स्थानीय स्वास्थ्य संस्थाएं हैं जैसे प्राथमिक चिकित्सा, सामान्य घरेलू दुर्घटनाएं, फिर सामान्य घरेलू देसज औषधियां, पट्टियां, गृह जो है परिचारिका, रोगी का कमरा या रोगी का बिस्तर, फिर नाड़ी, श्वास गति और ताप, ये आपका है रोगी का आहार है, पर्यावरण और जनजीवन, इस तरह के बहुत सारी यूनिट है जो आपको कंप्लीट करनी होगी एलटी ग्रेड सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं चैप्टर रोगी का कमरा। रोगी की अवस्था में रोगी का अधिकांश समय बिस्तर पर ही व्यतीत होता है, अतः रोगी के लिए घर में अलग से एक कमरे की व्यवस्था करनी चाहिए। रोगी का कमरा साफ सुथरा, हवादार, आरामदायक व शांत वातावरण में होना चाहिए व रोगी के कमरे में आवश्यकता के अनुसार सामान होना चाहिए। रोगी के कमरे में प्रकाश तथा संवातन की उचित व्यवस्था होनी चाहिए। रोगी के कमरे को प्रतिदिन झाड़ पोछ कर साफ करना चाहिए। दिन में 2 बार कीटाणुनाशक छिड़काव करना चाहिए। रोगी के कमरे में 1 पलंग, 2 मेज, 1 स्टूल, 2 कुर्सियां, 2 अलमारी, चार्ट, मनोरंजन व सजावट का सामान होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर आता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर। रोगी के कमरे में होना चाहिए तो रोगी के कमरा कैसा होना चाहिए? स्वच्छ व सुखद वातावरण वाला होना चाहिए। स्वच्छ, खुला, हवादार वातावरण होना चाहिए। संवातन व प्रकाश की उचित व्यवस्था होनी चाहिए। तो उपयुक्त ये सभी चीजें होनी चाहिए रोगी के कमरे में। रोगी के कमरे का आवश्यक फर्नीचर है तो रोगी के कमरे का आवश्यक फर्नीचर जो है वो पलंग है, मेज है, कुर्सी है, अलमारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोगी के कमरे में पलंग होना चाहिए तो रोगी के कमरे का जो पलंग है वो स्प्रिंग वाला या कसा हुआ पलंग होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोगी के मनोरंजन के लिए कमरे में होना चाहिए, इसमें आपका दीवारों पर चित्र, पत्रिकाएं व छोटा रेडियो होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोगी के कमरे में किस प्रकार का प्रकाश होना चाहिए तो रोगी के कमरे का जो प्रकाश है वो दूधिया रंग या ऑफ व्हाइट होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्रा सीट का अर्थ क्या होता है? तो ड्रा सीट का अर्थ होता है रबर या मोम जामे के ऊपर बिछाए जाने वाली जो चादर होती है वो ड्रा सीट कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोगी के कमरे को साफ करना चाहिए तो रोगी के कमरे को कीटाणुनाशक घोल से साफ करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोगी के पलंग पर कैसी चादर बिछाई जानी चाहिए? तो ये सफ़ेद रंग की चादर बिछाई जानी चाहिए। रोगी के कमरे की सफाई आवश्यक होती है तो रोगी के कमरे में धूल इत्यादि आती है तो ये गलत है। कमरे में रोगी के स्वाद इत्यादि से जीवाणु होते हैं तो ऐसा नहीं है कि स्वाद से हमेशा जीवाणु निकलते रहते हैं। रोगी के शरीर से दुर्गंध आती है तो ये भी नहीं है, इनमें से कोई भी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संक्रामक रोग से ग्रस्त व्यक्ति को कहाँ रखेंगे? तो उन्हें अलग कमरे में रखना चाहिए। इस यूनिट से रिलेटेड क्वेश्चन हर बार आपके एग्जाम में आते हैं तो आप इसे अच्छे से पढ़ लीजिएगा। रोगी का कमरा कहाँ होना चाहिए? तो रोगी का जो कमरा है वो स्नान घर के समीप होना चाहिए। रोगी के कमरे की दीवारें किससे पेंट होनी चाहिए? तो ये चूने से पेंट होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोगी के कमरे का फर्श प्रतिदिन धोना चाहिए तो इनका जो है फिनाइल से धोना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोगी के कमरे का तापक्रम जो है रहना चाहिए, कितना रहना चाहिए? 97 डिग्री फॉरेनहाइट रहना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोगी का कमरा घर के अन्य कमरों से दूर होना चाहिए ताकि रोगी को पूर्ण आराम व शांति मिलती रहे या परिवार के अन्य सदस्यों का संक्रामक रोगों से बचाव हो सके या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा कि रोगी को पूर्ण आराम व शांति मिलती रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोगी के कमरे में इनकी जो है उचित व्यवस्था होनी चाहिए तो किसकी? प्रकाश व संवातन दोनों की उचित व्यवस्था होनी चाहिए।
यहाँ पे हम लोग फिर नेक्स्ट यूनिट पढ़ेंगे रोगी का बिस्तर। तो बीमारी की अवस्था में रोगी को आरामदायक बिस्तर की आवश्यकता होती है। रोगी के बिस्तर को प्रतिदिन बदलना आवश्यक है तथा इसका पूरा ज्ञान परिचारिका को होना चाहिए। रोगी का बिस्तर लगाते समय इन बातों का ध्यान रखना चाहिए कि रोगी के बिस्तर पर सीधा प्रकाश व वायु ना आए, वह पलंग दीवार से दूर हो और थर्ड दरवाजे के सामने हो ताकि घर में होने वाली गतिविधियां जो हैं वो दिखाई देती रहें। नेक्स्ट है, ऐसे स्थान पर हो जहां से परिचारिका आसानी से रोगी के पास पहुंच सके। तो बिस्तर के लिए आवश्यक वस्तुएं कौन कौन सी हैं? पलंग है, दरी है, गद्दा, चादर, रबर की सीट है, ड्रॉ सीट है, चादर है, कंबल, तकिया आदि हैं। रोगी के बिस्तर कई प्रकार से लगाए जाते हैं, जैसे एक साधारण बिस्तर होता है, फिर विशेष बिस्तर होता है, फिर ऑपरेशन वाले रोगी का बिस्तर होता है, फिर गठिया के रोगी का बिस्तर होता है, जले हुए रोगी का बिस्तर होता है, हड्डी टूटने पर रोगी का बिस्तर होता है। रोगी के बिस्तर की चादर अत्यंत सावधानी पूर्वक बदलनी चाहिए। रोगी के बिस्तर को दो परिचारिकों की सहायता से रोगी के संयम पर लेटी अवस्था में ही बदलना चाहिए। नेक्स्ट है, रोगी जब लगातार बिस्तर पर लेटा रहता है तो उसकी पीठ पर घाव हो जाते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं? सैया घाव कहते हैं। सैया घाव का उपचार क्या होता है? इसके लिए रबर की तकिया का प्रयोग करते हैं, वह साबुन व झाग घाव को मलकर पानी से घाव को साफ करें। घाव पर स्प्रिट लगाकर जिंक अथवा बोरिक पाउडर लगाए जाते हैं। तो ये एग्जाम में पूछा जाता है आपका, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सैया घाव का यूज़ हम कहाँ पे करते हैं, फिर ड्रॉ सीट क्या होती है, ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्ज़ाम में हर बार पूछे जाते हैं। इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। रोगी के बिस्तर पे किस रंग की चादर बिछाई जाती है? तो सफ़ेद रंग की चादर बिछाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोगी के बिस्तर को उचित ताप पर रखने के लिए प्रयोग में लाया जाता है? तो सूती का कपड़ा जो है वो प्रयोग में लाया जाता है। नेक्स्ट है, रोगी के बिस्तर के लिए सबसे अनिवार्य गुण क्या है? तो रोगी की उपयुक्तता को ध्यान में रखते हुए बिस्तर का प्रयोग करना चाहिए। ड्रॉ सीट लगाई जाती है, तो ड्रॉ सीट जो है वो रबड़ सीट को ढकने के लिए लगाई जाती है। ये एग्जाम में कई बार आ चुका है। रबड़ सीट का उपयोग रोगी के बिस्तर पर किया जाता है, तो किस लिए किया जाता है रबड़ सीट का उपयोग? तो इसका आंसर है, रबड़ सीट का उपयोग रोगी के जो मल मूत्र से बिस्तर को सुरक्षित रखने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोगी के बिस्तर को गर्म करने के लिए प्रयुक्त करते हैं कंबल का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रांड क्रेडिल का प्रयोग किया जाता है, इसका प्रयोग कहाँ पर किया जाता है? तो ये हड्डी की टूट या जले हुए रोगी के बिस्तर के लिए ब्रांड क्रेडिल का प्रयोग किया जाता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोगी के शरीर पर सैया घाव हो जाते हैं, तो अगर लंबे समय तक बिस्तर पर पड़े रहने के कारण ही सैया घाव हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सैया घाव में किसका प्रयोग किया जाता है? तो इसमें रिंग कुशन का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सैया घाव वाले या जले हुए व्यक्ति के बिस्तर में रगड़ इत्यादि से बचाने के लिए प्रयुक्त किया जाता है, तो किसका यूज किया जाता है इसके लिए? बैड क्रेडिल का यूज किया जाता है। कंबलों का बिस्तर किस रोग से पीड़ित व्यक्ति के लिए किया जाता है? तो ये जो सैया घाव से पीड़ित व्यक्ति होते हैं उनके लिए किया जाता है। ड्रॉ सीट क्या होती है? ये मोम जामे का एक टुकड़ा होता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सैया घाव का उपचार है, इसमें क्या किया जाता है? इसमें रिंग कुशन लगाना, ये सैया घाव का उपचार है। घर बैठ ना कर सकने वाले रोगी को चाहिए कि उनको लिए क्या करना चाहिए, जो उठ बैठ ना कर सकें उनके लिए किस तरह का बिस्तर चाहिए? तो उनके लिए विशेष बिस्तर चाहिए रहता है। रोगी के बिस्तर के लिए स्थान चयन करते समय निम्न बात ध्यान में रखनी चाहिए कि रोगी के बिस्तर पर सीधा प्रकाश व वायु ना आए, इस बात का ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पैर की हड्डी टूटने पर इसका प्रयोग किया जाता है, तो फ्रैक्चर बोल्ड का प्रयोग किया जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोगी के बिस्तर की चादर बदलने के लिए कितनी परिचारिकों की आवश्यकता होती है? तो इसके लिए दो परिचारिकों की आवश्यकता होती है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि जो रोगी होता है वो लेटा रहता है
और लेटे लेटे ही रोगी के बिस्तर को दो परिचारिका की सहायता से रोगी के संयम पर लेटी अवस्था में ही बदलना होता है। तो इसके लिए दो लोग की आवश्यकता पड़ती है। तो यहाँ पे ये दो यूनिट कंप्लीट हुई आपकी, रोगी का बिस्तर और रोगी का कमरा। तो आप वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, जिससे मेरे चैनल की सारी अपडेट आपको मिलती रहेगी। थैंक यू।